एक बेहतरीन चीज़ यह है कि आदमी अपने सीने को हर किस्म के बुग्ज, नफरत, हसद और बदगुमानी से पाक रखे। देखिए, बदगुमानी इतनी ख़राब चीज़ है मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए, नफ़रतों को जन्म देने के लिए, कि दिल में बदगुमानी पैदा होने के लिए वक्त नहीं लगता है, चंद सेकंड की ज़रूरत होती है। आप अपने भाई से बदगुमान हो जाते हो, आप अपने भाई से रूठ जाते हो, मुंह फुला के बैठ जाते हो, जबकि बेचारे की कोई गलती भी नहीं। ये मैं बदगुमानी की मिसाल दे रहा हूँ। क्यों? ये शैतान का सबसे बड़ा वसीला है और हरबा है और उसका बहुत बड़ा हथियार है। उसे पसंद नहीं है कि लोग अपने भाइयों से अल्लाह की रजा के लिए मिलें, अपने भाइयों से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं। वो तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी को फैला दे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावत वल-बग़्ज़ा फिल ख़म्र वल-मैसिर, कि शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत को और दुश्मनी को, बुग्ज़ व हसद नफरत को वो फैला दे। और उसके लिए जो वसीले वो इस्तेमाल करता है, उन्हीं वसीलों में मालूम है एक वसीला है बदजनी भी। एक अदना मिसाल मैं आपको देता हूं कि बदजनी फैलने या पैदा होने के लिए दिल में वक्त नहीं लगता, चंद सेकेंड लगते हैं, और हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, अपने भाइयों से कतई ताल्लुक कर लेते हैं। हमने किसी को फोन लगाया, सामने वाले ने स्विच ऑफ कर रखा है, या हमारा जवाब नहीं दे रहा है वो, या बात तो कर रहा है मगर मुख्तसर बात करके उसने फोन रख दिया। हम बदगुमान हो जाते हैं फौरन कि यार क्या वजह है वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है, उसने स्विच ऑफ कर क्यों कर रखा है, या उसने जवाब पहले की तरह हमें नहीं दिया खुश अखलाकी और खुश उसलूबी के साथ जिस तरह पहले वो हमसे बात करता था। मेरे भाई, आप देख नहीं रहे हैं कि फला आदमी किस हाल में है, क्या कर रहा है, कहाँ है, किस मजलिस में है। इसलिए उसको माजूर समझते हुए दिल में मलाल नहीं लाना चाहिए, दिल के अंदर कोई बदगुमानी नहीं पैदा करनी। ये शैतान का हरबा और वसीला है, ये दिलों को तोड़ना चाहता है, दिलों को जोड़ने का काम उसका नहीं है, उसका महबूब मशगला है। और इसीलिए सही मुस्लिम की रवायत है, इन्ना इबलीस यज़ऊ अर्शहु अलल बहरी थुम्मा यबअथु सराया, शैतान सुबह सवेरे क्या करता है, अपना स्टेज लगाता है समंदर पे, पानी पे, अर्श लगाता है, स्टेज लगाता है, उसके बाद अपने लश्कर को भेजता है जमीन में फितना और फसाद बर्पा करने, जाओ अल्लाह के बंदों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, गुमराह करो। अब उसके चेला चापड़ जो है वो गुमराह करते, एक आदमी आता है, एक चेला कहता है अपने बोस से, अपने इबलीस से, फालतू कदा वो फालतू कदा, फयकूल इबलीस मा फअलता शयअन, एक आदमी आके कहता है, एक शैतान अपने बोस से, मैंने ये किया, फला बुराई पे उभारा और फला फला जुर्म करवाया। इबलीस कहता है तूने कुछ नहीं किया, हत्ता याती अहदुहुम फयकूल मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहू व बैन ज़ौजतही, फला आदमी के पीछे हाथ धो के मैं पड़ गया और उस वक्त तक मैंने उसे नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं करवाई। अरे भाई, ज़ौजैन के दिलों को जोड़ना कार्य सवाब है, अगर ज़ौजैन में ना इत्तेफाकी हो जाए और कुछ लोग सालसी करके अगर झगड़े को ख़त्म करके दोनों को मिला दें मियाँ बीवी और खुश उसलूबी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे, बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन शैतान की निगाह में सबसे महबूब काम यह है कि उसका कोई चेला जाए और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करवा दे, दिलों में दूरी करा दे। ये शैतान का सबसे कामयाब वसीला, सबसे कामयाब वसीला और जरिया उसका यह है। तो मैं ये कह रहा था, बदगुमानी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्नज़न्ना अकदबुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तदाबरू वला तबाग़ज़ू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि ये लोगों बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी ये सबसे झूठ चीज़ है। और इसी तरीके से एक दूसरे के उयूब के पीछे ना पड़ो, एक दूसरे के उयूब को न टटोलो, एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे से कतई ताल्लुक न करो अपने मोमिन भाइयों से, उनसे बुग्ज न रखो, नफरत न रखो। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे हो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन जाओ। हमारा इस्लाम दिलों को जोड़ने के लिए आया है, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आया है, मोहब्बतों को फ़रोग देने के लिए आया है, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए आया है। इसलिए हमें देखना होगा कि मोहब्बतों को फ़रोग देने के वसाइल क्या हैं, ज़राए क्या हैं, और नफ़रतों को ख़त्म करने के असबाब और वसाइल क्या है। मेरे दोस्तों, उसे हमें अख्तियार करना होगा। मैं बदगुमानी की बात कर रहा था, ज़रूरत है इस बात की, अगर हम चाहते हैं कि अपने भाइयों से करीब हो जाएं, अपने भाइयों से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वाले बन जाएं, तो मेरे दोस्तों
दिलों में बदगुमानी मत पालो, अपने सीने को हमेशा आईने की तरह साफ और शफाफ रखो। कभी कोई गलती अगर नजर में आए तो उसको माजूर समझ लेना चाहिए। कोई हो सकता है उसके सामने मजबूरी रही हो, किसी मौके पर वो हमारी दावत में नहीं आ सका, किसी मौके पर वो हमारे काम ना आ सका, उसे हमें माजूर समझ लेना चाहिए। हो सकता है उसके सामने कोई मजबूरी रही हो, ये भी सोचने का एक अंदाज होता है। वरना तो शैतान पहली फुर्सत में दिमाग के अंदर और दिल के अंदर यही वसवसा दिलाएगा, देखो ना बड़ा करीबी समझते थे तुम, तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम मुश्किल में फंसे थे, वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। आदमी रूठ जाता है, बदगुमान हो जाता है। तो बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए।